हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज आपको थोड़ी सी मेरी आवाज़ अलग लग रही होगी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों बोलने में बड़ी परेशानी हो रही है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, बट कोई नहीं। हम जो रीडिंग करने वाले हैं, आज का टॉपिक रहेगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे थे आज सुबह आपके बारे में। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। टोटली हम देखने की कोशिश करेंगे आज आपकी रीडिंग में कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे आज। ठीक है, तो ये है आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हम हर टॉपिक देखते हैं। ठीक है, सो मेरी हेल्थ आपको डाउन लग रही हो कि मुझे पता है, क्योंकि मेरी हेल्थ डाउन है। ठीक है, मैं खुद फील कर पा रही हूँ कि मेरी हेल्थ कितनी डाउन है। तो आप लोग पर्सनल रीडिंग लेने के लिए जो है आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, और ब्रेसलेट की बुकिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको जो है दिख जाता है ब्रेसलेट का रिव्यू, मैंने लगाया हुआ है ब्रेसलेट का रिव्यू। आई होप आप सबने देख लिया होगा, ब्रेसलेट यही ब्रेसलेट है। ठीक है, और जो लोग लेना चाहते हैं ज़रूर संपर्क कीजिए। चलिए करते हैं हीलिंग, आपकी आज सुबह की हीलिंग करेंगे, उसके बाद हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आई होप आप सबको साउंड बहुत इफेक्ट करता होगा और आपकी हीलिंग भी अच्छी हो रही होगी, और पहले से ज़्यादा आई थिंक आप लोग जब से ये सुन रहे हैं तब से कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आया होगा। ठीक है, अभी देखिए मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ इसको सुनने के बाद। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे थे आज सुबह। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर क्या सोच रहे थे आज सुबह। प्लीज मुझे गाइड करें उनके बारे में, प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर ताकि हम सारे कार्ड्स अच्छे तरीके से निकाल पाए। ओके, प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर का मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि पर्सन और आपके बीच में ट्रस्ट इश्यूज हैं, और ट्रस्ट इश्यूज ज्यादा हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप जो है किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, और आपको लगता है
दोनों में से किसी एक को लगता है कि मेरा पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और मुझे धोखा दे रहा है, मुझे चीट कर रहा है। आपको ऐसी फीलिंग्स हैं, ठीक है? या आपके पर्सन रियली आपको चीट करते हुए पकड़े गए हैं आपके सामने, ठीक? ऐसा मुझे फील हो रहा है आपकी रीडिंग के अनुसार से। आपके जो कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक, उससे क्लियरली पता चल रहा है मुझे। ओके, चलिए ये कार्ड्स भी देख लेते हैं हम। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, यहाँ मेरे पास सेवन ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स और फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एंड है मेरे पास थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी का सारा गेम है यहाँ पे। तुमसे कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, और आपके पार्टनर सोच रहे हैं, देखो यहाँ पे ये पर्सन की गलती मुझे नजर आ रही है। गलती ये है, देखो एनर्जी पहले ही बता देती हूँ, वाइस वर्सा हो सकती है। यानी कि यहाँ पे मैं बातें बता रही हूँ, हो सकता है कि आपके साथ हो रहा हो या आप सोच रहे हो अपने पार्टनर के बारे में, ठीक है? तो यहाँ ऐसी फीलिंग मुझे नजर आ रही है कि आपके पार्टनर जो हैं अभी फिलहाल, आज सुबह सुबह देखो आपके साथ जो झगड़े हुए हैं या जो आप दोनों के बीच में बातें हुई हैं, आपके पार्टनर ने आपको जो चीज़ें बोली हैं थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग, या आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया है, आपको बोला है कि हाँ तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारा रिलेशन हो सकता है किसी और के साथ है, तुम किसी के साथ फिजिकल होते हो या होती हो, है ना? तो यहाँ पे ये पर्सन ने इल्ज़ाम तो लगा दिए, लेकिन अब जो है ये पर्सन को फील हो रहा है कि नहीं, जो इल्ज़ाम है ना वो गलत है, जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो गलत है, ठीक? क्योंकि ये पर्सन खुद ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे और आपको जो है घुमा रहे थे। यानी कि आपके साथ जो है ना ये पर्सन खेल रहे थे, आपके साथ उतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे जितना ज़्यादा आप सीरियस फील कर रहे थे इस पर्सन के लिए, ठीक है? यानी कि आपको लगा कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा गहरा प्रेम करते हैं और आपने अपना सब सीक्रेट बताया, सब चीज़ें दी इस पर्सन को, लेकिन ये पर्सन का क्या है? ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि नहीं, ये पर्सन ने आपको खुशी नहीं दी है। यहाँ पे मैं देखूँ ना तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा जो है आपको ऐसा फील कराते दिख रहे हैं जैसे कि सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। यानी कि आपके लिए सीरियसनेस जो है ना इस पर्सन ने दिखाई ही नहीं, ठीक? आपको कभी इस पर्सन के साथ फील नहीं हुआ कि ये पर्सन आपके साथ सीरियस है, ठीक? तो ये पर्सन जो है अब फील कर पा रहे हैं जब आप इनके ऊपर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हो, या इस पर्सन को इग्नोर करने लगे हो, या इस पर्सन को छोड़ के किसी और के साथ जो है आप अपने रिलेशनशिप में स्टार्ट कर चुके हो, या सिर्फ इस पर्सन को जलाने के लिए आप किसी के साथ जो है बातें कर रहे हो या दिखा रहे हो, या डीपी लगा रहे हो, स्टेटस लगा रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से इस पर्सन के दिल में जो है जलन हो रही है। यहाँ पे ये पर्सन जेलस फील कर रहे हैं और आज सुबह सुबह ही इनका माइंड बहुत डिस्टर्ब रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो बातें हुई हैं वो बातें तो इनको याद आ ही रही हैं, और जिस वजह से इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपका फ़ायदा उठाया है, वो वजह भी इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैंने गलत किया है ना। तो ये पर्सन को गलती का तो रियलाइजेशन है ही, लेकिन साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना अपनी गलती, जो भी गलती हुई है, उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और उसको एक्सेप्ट करके आपके सामने, ठीक है, ये पर्सन बताएंगे भी कि हाँ गलती तो मेरी थी, ठीक? इस पर्सन ने गुस्से में आकर के या जो भी डिसीजन लिया वो बहुत गलत था, ठीक, आपको लेकर के, क्योंकि ये पर्सन ने जो है ना किसी और के मुंह से सुनी हुई बातों पे यकीन कर लिया और आपको ब्लेम किया। ये पर्सन क्लियरली बताएंगे आपको, ठीक? ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो है ना ये पर्सन खुद थे और इन्होंने जो है ना आपसे पीछा छुड़ाने के लिए आप पे इल्ज़ाम मढ़ दिया, ठीक? यहाँ पे ऐसा मुझे फील हो रहा है।
और वही है कि आप उदास हो, निराश हो, परेशान हो, आज भी जो है अपने पर्सन के लिए आप रोते हो, तकलीफ़ फील करते हो, आपको नींद नहीं आ रही है। वहीं आपके पार्टनर को देखो तो ये पर्सन रात रात भर जगे रहते हैं, ऑनलाइन किसी के साथ चैटिंग करते हैं, है ना। आपको देख देख के दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है, लेकिन आप क्या कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे मुझे यही फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, और ये जो पार्टनर हैं आपके, आपका ट्रस्ट बहुत अच्छे तरीके से तोड़ चुके हैं, और इसीलिए ये पर्सन जो है ना आपको, आपके साथ न्यू बिगनिंग नहीं कर रहे हैं, आपके साथ आ नहीं पा रहे हैं। बट मैं देखूँ तो आने वाले टाइम पीरियड में ये पर्सन न्यू बिगनिंग करेंगे। ठीक, इनका कर्मा चल रहा था, इनका जो अभी करेंट में जिनके साथ ये रिलेशनशिप में है, यानी कि आपके साथ ना होकर के किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तो ये वो उनका कार्मिक है, और कार्मिक है तो वो आपके छुड़ाने से नहीं छूटेगा। जब तक उनका कार्मिक रहेगा उनके साथ, तब तक वो तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि आपको भी हील करना है। इधर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप भी अपने आप को हील करो, और वो पर्सन भी सीखे कुछ कि धोखा देना क्या होता है। कल को वो पर्सन भी, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ वो है तो क्या हुआ, लेकिन थर्ड पार्टी भी उनको छोड़ के चली जाएगी। ठीक है, तो उनको भी सीखने को कुछ मिलेगा, और आप तो सीख ही रहे हो, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। चलिए कुछ और देखते हैं कि आपके पार्टनर और डीपली क्या सोच रहे थे। ठीक है, चलिए क्या फील कर रहे थे आज सुबह, प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स। प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, बैलेंस का कार्ड है, स्टैंड योर ग्राउंड, होप। ओके, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है, एंड आखिरी कार्ड है 7, यानी कि क्राउन चक्रा। नंबर 7 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और इस चैनल का भी नाम है 777 टैरो विथ रूही, है ना। तो यहाँ पे 7 नंबर आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और सेक्रीफाइजेस यहाँ पे दिख रहे हैं, सेक्रीफाइजेस यानी कि आप भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में, और आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दोनों सेक्रीफाइसेस कर रहे हो अपनी अपनी लाइफ में। बट यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन की फीलिंग्स ऐसी हैं कि अब अपने पार्टनर के लिए मुझे स्टैंड लेना है। ठीक है, ये पर्सन जो है ना आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इनकी फैमिली इश्यूज हैं, या जो भी है। ठीक, ये पर्सन जो है ना यहाँ पे स्टैंड लेकर के आपको आपको बताना चाहते हैं। मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि इस पर्सन स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी समझ रहे हैं, और ये पर्सन स्टैंड लेंगे। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि ये पर्सन स्टैंड लेंगे, इनको होप है कि आप इनको भूले नहीं हो, और आप इनको जो है इनकी गलती की माफ़ी इनको दे दोगे। आप बहुत दयालु किस्म के इंसान हो, बहुत अच्छे पर्सन हो। इस पर्सन का मानना है कि आप जो है कभी इनको बीच राह में नहीं छोड़ोगे। ये पर्सन ने हालांकि गलती की है या आपको चोट पहुंचाया है, तकलीफ दी है, लेकिन फिर भी ये पर्सन जानते हैं ना कि आप इनसे कितना प्रेम करते हो, कितना भाव है आपके अंदर, कितनी ज़्यादा तकलीफ है आपके अंदर। उन सारी तकलीफ़ों को भूल करके आप इस पर्सन को एक मौका ज़रूर दोगे। इस पर्सन की फीलिंग्स हैं, और ये रियल फीलिंग्स हैं इनकी, यहाँ पे है, मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है आपको, अब जो है इनकी फीलिंग्स ऐसी हो गई हैं आपके लिए कि आप इनकी एक विश बन गए हो। ठीक, आप इनकी एक विश बन गए हो, ऐसी विश जिसे ये पर्सन कबूल करना चाहते हैं, जिसे ये पर्सन पाना चाहते हैं, जिसे ये पर्सन जो है ना चाहते हैं कि हाँ आपके साथ ही कंटिन्यू होना चाहिए। यहाँ ऐसा है कि ये पर्सन जो है ना यहाँ पे एकदम से क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना तक हो रही है इस पर्सन की। आज सुबह मैं देखूँ ना तो ये पर्सन प्रार्थना करते हुए भी दिख रहे हैं कि ईश्वर हम दोनों का जो है ना रियूनियन हो जाए। रियूनियन के लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना चल रही है यहाँ पे। मुझे तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एकदम से रियूनियन करना चाह रहे हैं, और रियूनियन वाली एनर्जी एकदम से है। चलिए कुछ मैसेज देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं पहले। ओके,
ये नहीं निकालूंगी, ये मैसेज कह रहा है कि नहीं मुझे आना है, बार बार गिर रहे हैं ये। चलिए यही देख लेते हैं मैसेजेस क्या है, मैसेज आपके पार्टनर का। आपको पता है कि मैं लॉन्ग रीडिंग अभी नहीं करूंगी क्योंकि हेल्थ में है आज, थोड़ा सा थोड़ा धीरे धीरे करके रीडिंग करेंगे हम। आई लव इट वेन यू लुक एट मी एंड स्माइल, तो इनको बहुत पसंद है जब आप इनको देखते हो और स्माइल करके देखते हो, तो बहुत ज़्यादा पसंद है इनको। ठीक है, तो आप स्माइल करके ही देखा कीजिए, अच्छा लगता है। यू मेक एवरीथिंग फील पॉसिबल, यू मेक मी पॉसिबल, तो यहाँ पे आप जो है ना बहुत कुछ पॉसिबल करते हो इनकी लाइफ में, और आपके आने से ये पर्सन बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें नहीं भी होने वाली हैं वो भी लगता है कि हो जाएंगी आपके रहने से। यू मेक मी क्राई स्टिल आई लव यू, तो आप जो है कभी कभी इनको रुलाते भी हो, कभी कभी क्या ज़्यादा रुलाते हो इनको ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये पर्सन की फीलिंग्स हैं। यू आर माई फेवरेट फीलिंग, तो आपके लिए जो है ना ये पर्सन जो है ना आपको अपनी फेवरेट फीलिंग मानते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बाय बाय।